दोस्तों ये हमारे पापा के साथ स्कैम हुआ है। वो गए थे चॉकलेट लेने के लिए डेरी मिल्क, लेके आए डियर मिल्क। गुड मॉर्निंग, सुबह के 7 बज रहे हैं और पापा जा रहे हैं मार्केट, जो प्याज भरे थे ना उनको लेके। और फिलहाल प्लास्टिक का कागज है, इसकी ठीक से ये करनी है क्योंकि ये लगेगा अगर बारिश आती है तो पापा को प्याज रखने के लिए, तो इसको ठीक से कर दिया है, लेके जाएंगे मार्केट। रात को इतनी तेज बारिश हो गई है ना, क्या बताओ आप लोगों को। फिलहाल मोना जा रहा है कॉलेज। मोना हैकर फिसल जाएगा, बहुत गीला हो रखा है रास्ता। आज खुद की चाय खुद बनानी पड़ेगी क्योंकि पायल नहीं है, मम्मा को काम है तो veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain, yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah, I work hard each and every day. खुद के हाथ की बनाई हुई चाय पीने में मजा ही अलग है। फिलहाल मैं थोड़ा टीवी पे हमारे ब्लॉग्स देख रहा था, अभी ऊपर जाऊंगा नाश्ता वाश्ता करके काम करने के लिए। दे पापा चार्जर, ग्रैंडफादर इधर बैठे अकेले। तो मंडे मंडे होता है भाई, काम करने का मन नहीं होता है। और कल बारिश बहुत तेज़ हो रखी थी तो एक घर में दरवाजे के अंदर से पानी जाता है, तो यहाँ पे ऐसे लगा के रखा है, इसको निकालना पड़ेगा। और शायद इसको लॉक भी होगा तो लॉक भी लाना होगा। यस, अरे देखो पापा ने कैसे लगा दिया था, देखो पापा ने मतलब सिर्फ नाम के लॉक लगा के रखा है, उनको समाधान मिल रहे होगा कि हाँ मैं लगा के आ गया। वाह, कल पापा जब भी वीडियो देखेंगे ना तो उनको पता चलेगा क्या किया था उन्होंने। अभी अभी मम्मी का फ़ोन आया था, हमारे यहाँ पे गेस्ट आए, उनको हमारे शादी की जो वीडियो है वो देखनी है, तो उनको टीवी पे सेट कर देता हूँ अभी। पेन ड्राइव लगेगा टीवी में, थोड़ी जाने में थोड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। फाइनली लग गया, पहले तो सिनेमैटिक लगाएंगे, सिनेमैटिक वेडिंग। पायल को बता दिया है मैंने कि कैसे चालू करना है टीवी। जो भी गेस्ट आते हैं हर किसी को अपनी शादी की ये दिखाते रहती है मम्मा, तो काफी अजीब सी चीज है। और जो कल मम्मी ने कस्टर्ड एप्पल तोड़े थे ना वो पक गए हैं, ये देखो। खाने में आज है ये वेपर्स, बैंगन का भरता, अचार, रोटी वगैरह सब चीजें। तो चलो चलिए फटाफट से खाना खा लेते हैं। तो आज खाना खाने के लिए अकेला ही हूँ क्योंकि मम्मी देख रही है टीवी, टीवी पे हमारी शादी की वीडियो चल रही है। खाना हो गया मेरा भी, फटाक से काम अपना शुरू कर लेता है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है तो पापा मार्केट से आ गए और अभी सो गए आके ही। सो गया है आके। और मम्मी बना रही है चाय और साथ में है खारी। खारी। यस, तो मम्मी अभी बता रही है, मौसी का फोन आया था और मौसी बोल रही थी कल जो मेरे मामा आए थे ना, जो पायल के भी पापा है, तो मैं उनके सामने ब्लॉगिंग करने के लिए शर्मा रहा था, तो इसलिए तो मौसी मम्मी को बोल रही थी वो क्यों इतना शर्माता है ऐसे। रोता है यार थोड़ा सा, अभी मैं अनइजी फील करता हूँ ब्लॉगिंग करते टाइम, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, पर अभी वो सब्सक्राइबर नहीं है
उतने व्यूज नहीं है, तो ऐसा थोड़ा सा ऐसा लगता है यार मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है, और फिर मैं क्यों मतलब लोगों के सामने, मुझे लोग पूछेंगे कि भाई तुम्हारा चैनल क्या है, और जब मैं सब्सक्राइबर देखेंगे तो मुझे उस पे थोड़ा सा इसलिए मैं ज्यादा डरता हूँ, मतलब शर्माता हूँ। बराबर है, मम्मी कह रही है धीरे धीरे बढ़ेगा, वो तो बात है, पर अभी मतलब टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ खुद को मोटिवेट करने की कि हाँ बाहर जाके भी एकदम अच्छे से ब्लॉगिंग कर पाऊँ, कर लूँगा मैं, उतना मुझे कॉन्फिडेंस है खुद पे, सिर्फ वो ऐसा लगता नहीं यार कि कोई पूछेगा बता तेरा चैनल कहाँ है और दोस्त सब्सक्राइबर निकलेंगे उसके ऊपर, तो उससे थोड़ा एम्बैरेसमेंट होता है। मम्मी ला रही है गौती चाह, भागो भागो बारिश आ रही है। तो मम्मी ने पायल जो पहनती वो साड़ी पहनी आज, मम्मी पायल की साड़ी नहीं, पायल जी नहीं मांगी थी पायल सॉरी मम्मी की साड़ी है, मम्मी ने पायल को दी थी पहनने के लिए, पर पायल ने अभी मम्मी को दे दी थी। पापा गए थे मार्केट पैच लेके, और पैच लेके घर पे आ गए, और पैच पता है कितने भाव गया है, 3 रुपीज किलो, 1 किलो के 3 रुपीज, और इसके लिए हमने 2 दिन मेहनत की, मतलब वो पैच ठीक से भरे, हाँ। गाड़ी में ठीक से ये किया, सब चीजें की, 3 रुपए किलो। किसानी अच्छी या नौकरी करना अच्छा? नौकरी करना अच्छा है, सीधी पाइजे नौकरी पाइजे, अच्छा। तो मम्मी कह रही है खेती भी चाहिए और कुछ जॉब वॉब कुछ भी दूसरा भी इनकम सोर्स चाहिए, क्योंकि अगर किसान खेती नहीं करेगा तो आप लोग खाओगे क्या, और माना कि थोड़ी मुश्किल है खेती करना, पर कभी कभार अच्छी भी आमदनी हो जाती है, तो ये टोटल डिपेंड करता है मार्केट सिनेरियोस क्या है, आजू बाजू में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट कितनी सपोर्टिव है, सब चीज़ें मैटर करती है, तब जाके किसान को थोड़ा फायदा होता है। पर मैं कहूँ जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो आप मेहनत करते हो ना उस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, मतलब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो खेती में और आपको प्रॉफिट है वो बहुत कम मिलता है, अगर आप उतनी ही मेहनत कहीं दूसरी जगह पे करो तो मुझे लगता है आप उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। दादा जी आ गए, इनको चाय पीने के लिए बुलाया मैंने, चाय खारी और बारिश। देखो ये चींटी भी चाय पी रही है क्योंकि यहाँ पे एक बूंद गिर गई थी, मस्त चाय पे ताव मार रही है वो। खारी दूँ क्या उसको थोड़ा? खारी क्यों पड़े? ठीक है तो खारी डाल देता हूँ, मैं ही क्यों अकेला खाऊ, खाओ। थैंक यू सो मच। चलो काम खत्म। आज हमारे घर पे रुके हैं गेस्ट, तो उनके लिए बना रहे मिसल पाव। जैसे ही बारिश शुरू होती है ना तो हमारा गांव गांव लगने लगता है। मैं मस्त हमारे इस रास्ते पे भी घूमूंगा। तो यहाँ पे अभी हिसों का गायों का दूध निकालना शुरू है। ये है आटा, गेहूं का आटा और चने का आटा, इसको मस्त इसमें पानी डालते हैं, इसको रात पक भिगाए रखते हैं, और फिर ये सुबह भैंसों को खाया खाने के लिए दिया जाता है। मैं तो इसमें पानी वानी डाल दिया है, अभी थोड़ा इसको खिला रहा हूँ, खा ले भाई। चलो भाई ज़्यादा मत खाना, पेट खराब हो जाएगा। फाइनली गाइस सारा काम खत्म, अभी मैं घर जाऊंगा, अभी खाने का समय हो चुका है। अरे गिर गए। तो आज है खाने में मिसल पाव, जो कि है फेवरेट सबका। अभी खाना हो चुका है और अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों ये हमारे पापा के साथ स्कैम हुआ है, वो गए थे चॉकलेट लेने के लिए डेयरी मिल्क, लेके आए डियर मिल्क। फाइल असतं तर मग त्याला त्याला काय हे केलं असतं, पाहून नाही घेतलं त्याने दिले। हा ठीक आहे काय प्रॉब्लेम नाही होत राहत। तो दोस्तों देख लो, हमेशा अच्छे से देख लो, क्योंकि ये जो होते हैं लोग
ये पूरा प्रॉपर जैसा डेयरी मिल्क है ना वैसा ही दिखा बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ डेयरी मिल्क कैसा दिखता है और ये कैसा दिखता है। तो ये देखो, ये है डियर मिल्क, ये डेयरी मिल्क। नाम भी कितना अच्छा दिया है, डियर मिल्क। तो देखो दोनों के कवर एकदम सही लगते हैं और ऐसा लगता है कि यार और पापा इतने मतलब उनको पता नहीं है ना ब्रांड्स को कैसे पहचानना है, हो जाता है। फिलहाल डियर मिल्क खा के देखता हूँ कैसा है। अच्छा है ना, बस डियर मिल्क में ना सब कुछ है चॉकलेट छोड़ के। लेडीज लोग खाना खा रहे हैं तो मैं आ गया हूँ इधर मस्त बेड पे बैठ के यूट्यूब देखूंगा। कितनी सेवा हो रही है मेरी इस काम के लिए से। वैष्णवी को देखने अपने मैरिज के फोटो, मुझे नहीं देखना है, मेरे दादी को देखना है। हाँ, वैष्णवी की दादी आई हुई है। तो फिलहाल मैं वैष्णवी को लैपटॉप देके आ गया हूँ घर, और इसी नोट पे इस ब्लॉग को करते एंड, मिलते हैं अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और पापा मार्केट गए थे कांदे लेके, कांदे क्या बोल रहा हूँ यार, तो कांदे नहीं पैच, तो पापा गए थे मार्केट पैच लेके। Every day.